Now that you have announced the present MLA as your Umidwar, as your candidate, there's also been a buzzing that you have a close link with opposition leader who is also climbing for a BJP ticket. What do you have to say on that? I personally have good links with all the people of Arunachal Pradesh, because politics is a profession, which I always say. ठीक है, डेमोक्रेसी में टिकट ट्राई करना सबका एक जिम्मेदारी होता है, मगर टिकट तो एक ही को ही जाएगा। तो अभी पार्टी का ये निर्णय है कि अपना इस बार का फोर्थ दिरांग में फूलपा सिंह जी को इस उम्मीदवार के तौर पे इसको आगे भेजेंगे। सिंस अभी हर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इज नियर बाय एंड हर डिस्ट्रिक्ट में मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी में, तो इवन मोदी जी इज कंफ्यूज आई थिंक कि टिकट किसको देगा करके। व्हाट्स योर रिमार्क ऑन दैट? नो, वी आर नॉट कंफ्यूज। यू नो, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ा दिल का एक घर है, इस घर में सबको एकोमोडेट करने का हम लोग क्षमता रखता है। लोग बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिया लास्ट पीएम मोदी साहब का सरकार में, लास्ट 10 ईयर्स में जो देश को परफॉर्मेंस दिया और अरुणाचल प्रदेश में जो परफॉर्मेंस दिया, तो सब लोग डेवलपमेंटल एजेंडाज को लेके जोड़ना चाहते हैं। आई वेलकम देम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। फॉर यू एंड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी टुडे, आज तो सीएम ने भी आपको अपना सेलेक्ट कर दिया है, अभी इससे पता चलता है कि तो कंफर्म आपको एक टिकट मिलेगा। जी, जी। और ये फीलिंग और कुछ कहना चाहेंगे ये चीज को लेकर? उसमें मैं तो वही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रेसिडेंट साहब को, और खास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा लोगों को, उनका ब्लेसिंग, उनका प्यार का वजह से मुझे आज सीएम साहब और प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा, तो जो कुछ भी हूँ मैं दिरांग का पब्लिक की वजह से हूँ मैं, तो उनको थैंक्स करना चाहूँगा। 15 साल मैंने सर्विस दिया, और आप रोड का जो पैथेटिक कंडीशन का जो आप बात करते हैं, तो मेरा ख्याल से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ऐसा मतलब 5-6 रोड है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें क्या है कि क्योंकि आप लोग मीडिया वाला है, यू आर यंग स्टार एंड यू मस्ट ऑल्सो नो दिस कि PMJSY में क्या है कि एक बार जब टेंडर होने के बाद में, वंस द रोड इज कम्प्लीटेड, वंस यू कम्प्लीट द रोड, 5 साल तक उसका रख रखाव उस कॉन्ट्रेक्टर के हाथ में होता है। वो तो पैसा सरकार के तरफ डायरेक्ट वहाँ पहुँचता है, तो वो ठेकेदार का वो जिम्मेदारी होता है कि उसको 5 साल रोड को वो मतलब उसको दुरुस्त रखे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ कुछ आपका कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में ये PMJSY को लेके बहुत केस उस हो गया, तो उसका चलते तो जो मेंटेनेंस का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हुआ। तो अभी तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हम उस जगह में, क्योंकि उसमें एक रास्ता मेरा गांव भी आता है, मेरा बस्ती नामशु है, वहाँ पे भी PMJSY का काम हुआ, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम, वहाँ पे मेंटेनेंस पैसे नहीं दिया। अगर सपोज बाकी हेड से मैं पैसे लेकर डाल दूंगा वहाँ, तो एक रोड है XYZ, तो वहाँ पर मैंने 1 करोड़ रुपये डाल दिया, 2 करोड़ रुपये डाल दिया मेंटेनेंस में, और बाद में फिर वहाँ पे प्रोविजन ऑलरेडी है PMJSY में, एक तो मतलब आपका ये 5 साल का रख रखाव एंड देन मेंटेनेंस का फिर मिलता है, तो वो कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए, तो उसी के चलते मतलब उन रूट में मतलब मैंने फंड मुहैया नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है कि RWD से उधारिक पैसा आएगा, तो यही करना। अदरवाइज तो आप लोग आप विजिट कीजिए दिरांग, इट्स ब्यूटिफुल प्लेस। और आपने पैथेटिक बोला, पैथेटिक तो नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ खराब है, नो बट यस यस आप लोग हम बताए नहीं है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो है कहना, तो डेट्स वो है मतलब। इसलिए फिर भी इसके बावजूद भी अभी 2-4 रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी जो अपग्रेडेशन में PMJSY के तहत आपका एक रास्ता है आपका दिरांग मार्केट टू योंग विलेज, एक मेरा ही गाँव का है मुन्ना कैम्प टू नामशू, मुन्ना कैम्प टू थेम्बांग, तो ये रास्ता भी पाइपलाइन में है, आने वाला कुछ शायद 1-2 दिन में, मतलब इलेक्शन से MCC लगो उनसे पहले मेरे ख्याल से वो सेंक्शन हो जाना चाहिए। और सर, जब वेस्ट कमिंग के बारे में जब बात किया जाता है, तो ऐसे भी बहुत बात है कि जो वीट होता है मारिजुआना का जो घास जो एवं उगाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है स्पेशली अभी का जो यंगस्टर लोग के लिए। तो कल को अगर इन केस आप यू नो 2024 का चुनाव जीतता है, तो आप ये जो अभी जो जो मारिजुआना का जो बात चल रहा है, इशू जो हो रहा है, क्या उसको लेके आप एक परमानेंट सोल्यूशन उठाएंगे? आप वन ऑफ यू बीइंग वन ऑफ द MLA फ्रॉम द वेस्ट कमिंग, हाँ, उसके लिए ऐसा है कि ये तो दिरांग
इज नॉट अ मार्केट, दिरंग से यहाँ पे कल्टीवेशन यहाँ नहीं होता है, बट देन यस वी डू हैव सम यूजर्स, कोई हमारा यूथ लोग है उन लोग खुद जाके उन लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि यह सिर्फ सरकार करने से नहीं होगा, हमारा सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना है, तो हमारा जो मोनपा मीमांग सोकपा और भी बहुत सारा हमारा एनजीओस लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो इंडियन जो हमारा आर्मी हो गया, हमारा ITBP का टीम हो गया, SSB का टीम हो गया, हम एक टीम दिरंग बना के मतलब हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी पहुँच सकता है लोग और गांव बुरा इन्वॉल्व होके पंचायत इन्वॉल्व होके जहाँ जहाँ भी जो नज़दीक इलाका में जो जो मैरिजुआना का जो बात किया उसका पैर देखता है तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, जलाया है, उखाड़ के फेंक दिया है, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे इतना लार्ज मार्केटिंग तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं होता है, हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम आपका बोहा में है, बट देन बोहा भी मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, मेरा ही लोग वहाँ पे रहता है, वहाँ पे भी आई एम क्वाइट श्योर कि वहाँ का जो लीडर्स लोग हैं, वहाँ का जो पंचायत लोग गाँव बुरा लोग वो भी दे मस्ट बी डूइंग समथिंग, आई होप सो, सिंस दैट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूएंसी।